जब आप अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो आप भगवान रामलला के भव्य दर्शन तो करेंगे, लेकिन अब आप चंदन तिलक और चरणामृत से वंचित रह जाएंगे। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने तत्काल प्रभाव से नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इस नियम के बाद राम भक्त भी निराश है, तो यहाँ के पुजारी भी कुछ खुश नहीं है। ये नियम क्यों बने हैं, क्यों पुजारी भी नाराज है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। एक राम भक्त प्रभु राम के दर्शन करना चाहता है, राम के श्री चरणों में नमन करना चाहता है, मस्तक पर तिलक लगा चरणामृत ग्रहण कर सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अब अयोध्या में राम लला के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु इन सब से वंचित हो गए हैं। राम भक्त निराश है। ये बिल्कुल सही नहीं है, मंदिर में आए हैं तो टीका तो लगना चाहिए, चरण में तो मिलना ही चाहिए, मंदिर का यही वसूल है भाई, मंदिर में आए हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, तिलक लगाना है, चंदनामृत है, वो तो देना चाहिए। राम भक्त ही नहीं, पुजारी और संत समाज भी ट्रस्ट के फैसले से नाराज दिख रहे हैं। अमृत ले लेता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, भगवान के चरणों में प्रेम निष्ठा होता है और जो माथे पे तिलक होता है वो सूर्य की किरणों से भी अधिक तेज दिखता है, इसीलिए हम लोग सनातन जितने हैं हिंदू धर्म के वो माथे पे तिलक लगाते हैं। और हमें कहा गया है कि चंदन आपदाओं को हल लेने वाला है, अनजाने अनजाने में नित्य हुए हमसे जो पाप होते हैं उसको नष्ट कर देने वाला है चंदन, क्योंकि सनातन का प्रतीक भी है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्तों के माथे पर अब चंदन का तिलक नहीं लगाया जाएगा, साथ ही राम भक्तों को चरणामृत देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने लिया है। इसके लिए गर्भगृह के पुजारियों को तत्काल प्रभाव से ऐसा करने को कहा गया है। आपको बता दें कि साधारण दर्शन करने वाले भक्तों को पंक्तिबद्ध करके बैरिकेडिंग के अंतर्गत दर्शन कराया जाता है, लेकिन वीआईपी दर्शन करने वाले भक्तों को कुछ और निकट से रामलला के दर्शन का अवसर मिलता है। यहाँ दर्शन के पश्चात पुजारियों की ओर से उनके मस्तक पर चंदन लगाकर चरणामृत दिया जाता है। खास बात यह भी है कि गाइडलाइन के मुताबिक यदि कोई भक्त दान दक्षिणा दे तो उसे स्वयं न लेकर पुजारी अब इसे दान पेटिका में डलवाएंगे। अयोध्या राम मंदिर में गर्भगृह से लेकर अलग अलग जगहों पर पुजारियों की बड़ी टीम है। अकेले गर्भगृह में 2 दर्जन पुजारी हैं। इनमें 5 पुजारी पुराने और 21 नए सहायक अर्चक हैं। अर्चक को ट्रस्ट द्वारा हर महीने 35,000 रुपए सैलरी मिलती है, वहीं सहायक अर्चक की सैलरी 33,000 रुपए है। ये बहुत बिना विचारे और बिना सोचे 21 परंपरा में और किस पद्धति में दक्षिणी पद्धति को उत्तरी परिस्थिति कौन ऐसी है जिसमें चरणामृत बंद है और चंदन नहीं लगाया जाता भक्तों को, ऐसा यही एक मंदिर रामानंदाचार्य के कहते हैं कि रामानंदाचार्य पद्धति है, लेकिन जो कुछ भी है वह रामानंद संप्रदाय से विपरीत है। अयोध्या में बने नए मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब से मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। राम मंदिर में लाखों राम भक्त हर रोज राम लला के दर्शन करते हैं, लोग प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ उनके पास जाकर पूजन करने को उत्सुक रहते हैं, भगवान की मूर्ति को स्पर्श करते हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए ट्रस्ट ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।